स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल किन्ने बच्चे ने तेई बच्चे ने की खांदा बना डिजिटल के साथ आपका मेजबान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम मैं ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर आपको स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल हर साइज का बच्चा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं छोटे से लेके बड़ा जिधर तक नजर डालेंगे आपको बच्चे मिलेंगे। आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन बच्चे खत्म नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि ये बच्चे किसके है किसके नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सुनो की हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। किन्ने बच्चे ने है? सारे ए हैगे ने तेई बच्चे ने। 100-150 लग रहे हैं। 100 हैगा ना? हां जी। कितने बच्चे ने? ये असि 400 कणा वा सारे दे बच्चे बंदे ने। एक बंदे ने सारे बच्चे? सारे एक दे। की खांदा बंदा? बच्चे पैदा करी जा रहे थे गल नहीं कर दे पे। की खांदा? क्या खाते है? गोश्त खाते है, देसी घ्यो खाते है, मक्खन भी खाते है, ज्यादा चाय पीते है। चाय पियो तो इतने ज्यादा बच्चे आ जाते। बस अल्लाह की तरफो और कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है। की कर दे हो? चूड़ियां बेच दे। चूड़ियां तो अलावा और कोई काम नहीं? और कोई काम है? रोटी पानी पकाने ते ही काम है बस। बच्चे पैदा करने और किन्ने करने थे? की टारगेट है? और बस हो गई है। बस हो गई? क्यों? वो ऑपरेशन करा दिया। बस हो गई है और नहीं करते? और बंदा और बीवी लाया फिर? और जो जिन्हें मर्जी जमाल है। तानू इतराज नहीं गाओ जिन्हिया मर्जी? नहीं कोई इतराज नहीं है। बस बीवी तो कहती है बंदा सिर्फ मेरा रवे। तुसी कह रहे हो जिन्नी मर्जी बुढ़िया? मैं नहीं ये करती। मैं कहती भावे 100 लेके आ जाए जितनी मर्जी ले आवे। आखो ना भाई 7 बुढ़िया एक बंदे दे जायद ने। अच्छा 7 नहीं 4? ओ 7 तो भाई 4 7 किस तरह ने? 7 बुढ़िया जायज होती है? इस तरह 3 जड़ियां ने त्रिखा लोतियां ने। की होंदी है त्रिखा? त्रिखा की होंदा? पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं मेरी ऊपर से ये बातें गुजर रही है। बच्चे किस तरह? बच्चे किस तरह कंट्रोल? सारे बच्चे बजा छड़े नी। चीज दवा। बच्चे किस तरह सामदे हो? डंडा किधर है? बच्चे सामने डंडा भजा छड़े? डंडा फड़ो जो डंडा पड़ो किथे बच्चियां नु संभालो? किस तरह संभाल दे? मिठाई है बच्चियां नु किस तरह बिठा दे? डंडा बच्चे हैं बकरियां ने भैंसा ने की ने जरा डंडे नाल साम गल एक साग गल है बच्चे अल्लाह दी देन है। ठीक है जिन्नी फौज उन्नी मौज। अच्छा अपनी अपनी संभाल लेंदा बंदा अपनी फौज तैयार करनी। हां ये फौज अपनी तैयार हो रही समझ ना। आखो जो जंग लगी गई बच्चे काम आन गए और बच्चे नाम याद रहते हैं जमर पर्ची हर घर घर पई है जमर पर्ची। नहीं तू पता चल लगा इस बच्चे का है नाम है इस बच्चे का है नाम। हाँ जी हाँ जी। के उम्र ते शादी हो जाती है? 10 साल दी कुड़ी दा व्याह कर देन। 10 साल दी कुड़ी दा व्याह कर देन। आहो अड्डा हो गया मेरो एना दा हो गया व्याह? एना दा व्याह हो गया केंदा? एना दे तेरी दी दा ओ गड्डी ला के नसलो पाई गड्डी पा। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि आप बच्चे भाग गए हैं और ये हाथ नहीं आने वाले बच्चे। आप जितने मर्जी बच्चे काउंट करें आपकी गिनती आप भूल जाएंगे लेकिन यहाँ पे बच्चे खत्म नहीं होने। इधर आओ गल सुनो एक मिनट ताड़ा व्याह ए वेल लो फिर ताड़ा व्याह हो गया ताड़ा व्याह हो गया दिया ए मंगवांदे गे वे बच्चिया नु की करदे ने मंगवांदे ने मतलब भाई मांगो मैं पैसे खिलाओ माले पेट के लिए मांग के ले आओ। हां ये आप घर रहंदे ने? हां ताड़े किन्ने बच्चे ने? नहीं नहीं मेरे 100 बच्चे हैं। मेरा 100 बच्चे है। हेलो जी ये बच्चे छोटे छोटे हैं और इनका अभी से ही जज्बा और जुनून है कि हमने बड़े होके 100 बच्चे पैदा करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं। मुझे तो बच्चों को मंगवाते हैं। आपको पढ़ने का शौक है? हाँ शौक है। स्कूल नहीं भेजते? मंगवाते नहीं है मंगवाते हैं। मांगते हो ना? सानू मांग के ले आओ तो खांदे हैं पैसे। फीस बहुत है। फीस आप भर दो ना। ये जी बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन इनके घर वाले कहते हैं जी कि आप लोग मांगे मांग कर लाएं और खुद खाएं और हमें भी खिलाएं।
लेकिन इन बच्चों को पढ़ाई का शौक है, पढ़ाई का जज्बा है। तो जो भी शख्स वीडियो देख रहा है, अगर वो इन्हें पढ़ाना चाहता है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन्हें पढ़ाएं लिखाएं, ताकि ये हमारे मुल्क का सरमाया बने, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बने। ताड़ा की ना नाम है सिद्धला। बच्चों की छोटी छोटी खुशियां, आप देख सकते हैं कि इनके पाँव में जूती नहीं है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। इन्हें ना दिन की फिक्र है ना रात की फिक्र है, हमेशा इसी तरह से खुश रहते हैं, खेलते हैं, अपनी मौज में मस्त रहते हैं। वीडियो को शेयर करें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।